गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 14 करेंगे, दैट इज एडजेक्टिव। सिंपल एडजेक्टिव का टॉपिक नहीं है ये, हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार हम रिवाइंड जरूर करेंगे, रिकलेक्ट जरूर करेंगे। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग नाउंस आर एडजेक्टिव्स। नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में और बात बताना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसीलिए इनको बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में और बताते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। क्लियर? एक जो नई टर्म आ रही है, दैट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन का हिंदी वर्ड है तुलना करना। तुलना मींस कंपेयर करना। अगर क्लास में तीन बच्चे हैं, कोई थोड़ा सा अच्छा बिहेव करता है, कोई और ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, कोई बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज बेटर स्टूडेंट एंड दैट इज बेस्ट स्टूडेंट। हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं तीन बच्चों में, एक दो तीन, गुड बेटर बेस्ट। वही चीज यहाँ पर आ रही है कंपैरिजन में, कंपैरिजन वर्ड में। एक नई टर्म आएगी, दैट इज सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है अक्षर। एक सिलेबल, कोई भी वर्ड सिंगल सिलेबल होगा, लेकिन जैसे अगर हम वर्ड लिखें फेफुल, तो ये क्या हो गया? दो सिलेबल। हिंदी वर्ड क्या है सिलेबल का? अक्षर। वर्ड हम एक और वर्ड से समझ सकते हैं, वर्ड WORD, वर्ड सिलेबल या वर्ड। ये टर्म आगे चैप्टर में आएगी तो हम उस चीज को समझेंगे। ओके, चलिए अब कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन, जहां हम एडजेक्टिव करते हैं, उसको कैसे समझेंगे? तीन वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, तीन बच्चों के, उसमें गुड बेटर बेस्ट, ये चीज कहां आएगा? गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। यहां पर वर्ड आ गया, दैट कम्स अंडर पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव वर्ड कहां से आया है? कंपैरिजन। इसका और इसका कंपैरिजन वर्ड क्या हमने चेंज करा? कंपैरेटिव। और जहां पर सुपरलेटिव आ गया, सुपरलेटिव मींस दैट इज बेस्ट, फाइनल, सुपर, इसके बाद और कुछ नहीं है। तीन डिग्रीज आएंगी एडजेक्टिव्स में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में नाउन आ रहा है, कंपैरेटिव में दो वर्ड्स का कंपैरिजन आ रहा है एंड सुपरलेटिव इज द लास्ट, उसके बाद हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब इनके रूल क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे कि कौन से वर्ड के आगे कैसे चेंज करना है? सबसे पहली चीज, जिन वर्ड्स में ई एंड हो रहा है उनके आगे हम आर और एसटी लगा देंगे। ब्रेव, ग्रेव, हम क्या कर देंगे? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट, आर और एसटी हमने ऐड कर। अब अगर कोई वर्ड वाई फॉलो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स, और इनके अलावा यानी ए टू जेड जब हम लिख रहे हैं उसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, दोज आर
कॉन्सोनेंट्स, क्लियर। अब वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वो वर्ड किस में चेंज होगा, आई आर और आई एस से। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, आई ई आर और आई एस लगा रहे हैं। अब यहां पर कॉन्सोनेंट आया था, अब अगर वाई फॉलो हो रहा है वॉवल से तो हम क्या यूज करेंगे, ई आर और ई एस टी। एज फॉर एग्जाम्पल ग्रे, जी आर ई वाई, वाई आ गया और उससे पहले वॉवल आ रहा है ए आई ओ यू, इन वॉवल्स में से कोई भी आ रहा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ई आर और ई एस टी, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। अब जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म समझाई थी सिलेबल की, वो चीज हमारे नेक्स्ट रूल में आती है। कोई भी अक्षर अगर एक सिलेबल है, एक वर्ड कंप्लीट कर रहा है, तो उस वर्ड के आगे हम ई आर और ई एस टी लगा देंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे, उसके लास्ट अल्फाबेट को डबल करके। डबल कैसे करेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल बिग, राइट, बिग लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट है, क्या डबल कर दिया हमने, लास्ट अल्फाबेट, बिगर एंड बिगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक। नेक्स्ट, अगर दो सिलेबल आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फेथ फुल, ब्यूटी फुल, करे जीएस, दो अक्षर जुड़ के एक साथ आ रहे हैं, देन व्हाट आर वी डूइंग, हम उन वर्ड्स में मोर और मोस्ट ऐड कर देंगे, क्लियर। इसके बाद आता है कुछ एक वर्ड्स ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो पूरे ही चेंज हो रहे हैं, मच, मोर, मोस्ट। ये चीज क्या है, कंपैरिजन है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, इनका कंपैरिजन हो रहा है। हियर वी कंप्लीट द चैप्टर 14, इसमें हमने दो नई टर्म सीखी हैं, वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द सेकंड इज सिलेबल। आप इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहें देखेंगे, सेकंड थिंग आप चैप्टर रीड करेंगे और मैं जो आपको पीडीएफ भेज रही हूँ वो आप बुक में करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।